हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं बी से बनने वाले कुछ इडियम और फ्रेज। तो हम ए से बनने वाले इडियम और फ्रेज अपनी पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाकर देखें, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। ये इडियम और फ्रेज हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ भी ग्रामर आती है, इसलिए इन्हें बिना स्किप किए आप इन्हें इडियम और फ्रेज को याद करेंगे, पूरा देखेंगे वीडियो को, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये इडियम और फ्रेज। तो हमारा पहला फ्रेज है बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज यानी फूलों की सेज या आसान कार्य। दूसरा है बैग एंड बैगेज यानी बोरिया बिस्तर समेत। बाई फार होता है बहुत। बैक एंड कॉल आज्ञा में रहना। By dint of के द्वारा। By means of के द्वारा, दोनों का मतलब ही होता है, by dint of, by means of के द्वारा। Beat black and blue अत्यधिक। Beat black and blue अत्यधिक। Blow the mark उचित स्तर से नीचे। Blow the mark। By hook और by crook गलत या सही ढंग किसी ढंग से करना। बाई हुक और बाई क्रुक। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स रुक रुक कर करना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स रुक रुक कर करना। बिग गन बड़ा या प्रभावशाली व्यक्ति। बिग गन। बूजम फ्रेंड जिगरी दोस्त। बूजम फ्रेंड जिगरी दोस्त। बर्निंग क्वेश्चन ज्वलंत प्रश्न। By all means हर तरह से। By no means किसी प्रकार से नहीं। By and by कुछ समय बाद या धीरे धीरे। By the by बातों ही बातों में। Before long शीघ्र। Body and soul पूर्णतया। By leaps and bounds दिन दूनी और रात चौगुनी। By chance संयोगवश। By fair means or fall उचित या अनुचित ढंग से। By return of post लौटती डाक से। By return of post लौटती डाक से। By and large मोटी मोटे तौर पर। Because of कारण से। Beside the point असंगत। Bid fair आशा दिलाना। Words I view सरसरी निगाह। Words I view सरसरी निगाह। Bring to book दंड देना। Bring to book दंड देना। Break the ice चुप्पी तोड़ना। जैसे ये हमने पढ़े break the ice या ब्रिंग टू बुक, तो इसे सीधे सीधे अगर हम देखेंगे तो इनका अर्थ कुछ अलग ही निकलेगा, लेकिन अगर इन्हें फ्रेज और इडियम के रूप में हम यूज़ करते हैं तो इनका अर्थ दूसरा होता है, इसलिए हमें ये याद करने पड़ते हैं। बाय द वे बातचीत के क्रम में। बाय नेचर स्वभावता। बाय फेयर मीन्स उचित तरीके से। ब्रेक द रिकॉर्ड नया कीर्तिमान स्थापित करना। बैड ब्लड शत्रुता। ब्लैक शीप बदनाम व्यक्ति या नीच व्यक्ति। बोन ऑफ कॉन्टेंशन झगड़े की वस्तु। बीट अबाउट द बस घुमा फिरा कर बातें करना। बेटर हाफ पत्नी। वर्ड्स ऑफ अ फीदर एक ही प्रकृति के मनुष्य। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आकस्मिक विपत्ति। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आकस्मिक विपत्ति। By force of सहायता से। Broad daylight दिन दहाड़े। Broad daylight दिन दहाड़े। Bid farewell to विदाई देना। Breathe once last मर जाना। तो फ्रेंड ये हमने कुछ बी से बनने वाले idiom और फ्रेज देखे, अब हम देखते हैं कुछ सी से बनने वाले अपने लेटर सी से बनने वाले फ्रेज। तो हमारा पहला है cat and dog's life यानी कलहपूर्ण जीवन। कम टू लाइट विदित होना पता चलना। कैशल इन द एयर हवाई क्ले बनाना यानी ऊपरी ऊपर बातें करना। कट अ सॉरी फिगर
बुरी हालत में होना। कम ट्रू सच्चा सिद्ध होना, कम ट्रू सच्चा सिद्ध होना। क्राई इन द विल्डरनेस अरण्य रोधन या व्यर्थ की वस्तु के लिए मांगना। क्रोकोडाइल टीयर्स दिखावटी आंसू। कट एंड ड्राइड बिल्कुल तैयार। चाइल्ड्स प्ले आसान काम। कम टू ब्लो हाथापाई करना। कम इनटू फोर्स लागू होना। कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड। चिकन हार्टेड कायर। कोल्ड बार अमैत्रीपूर्ण संबंध। कोल्ड ब्लडेड निर्दयतापूर्ण। क्लोज शेव बाल बाल बचना। कॉक एंड बुल स्टोरी झूठी कहानी। तो हमने ये कुछ बी सी से बनने वाले फ्रेज देखे, आइए हम कवर करते हैं कुछ डी से बनने वाले फ्रेज। तो हमारा पहला है इसमें डेड अगेंस्ट एकदम विरुद्ध। डेड लाइन निर्दिष्ट सीमा। डे इन आउट डे इन डे आउट दिन रात। डाई इन हार्डनेस अपने पद पे ही मृत्यु होना। डाई इन हार्डनेस। डेड लेटर जो कभी लागू था अब लागू नहीं है। डेड लेटर। डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम व्यक्ति। ड्रॉप इन द ओशियन सागर में बूंद के समान। बाय ड्राई फैक्ट्स नीरस तथ्य। डू अवे विद छुटकारा पाना। डू वन एट मोस्ट जितना हो सके करना। डू इन द मैनेजर पॉलिसी डू इन द मैनेजर पॉलिसी जिस सिद्धांत से अपना अपना लाभ हो और ना दूसरे का। ड्यू टू कारण से। डबल माइंडेड अस्थिर बुद्धि वाला। डेड लॉस कतई पूरा ना होने वाला नुकसान। डेड लॉस। डू वेल प्रगति करना। डाउन एंड आउट हतोत्साह होना। ड्रॉप अ सब्जेक्ट किसी विषय पर विवाद बंद करना। ड्रॉप इन ऑन मिलने जाना। ड्रॉप आउट ऑफ छोड़ देना। ड्रॉ अ लाइन मर्यादा तय करना। तो फ्रेंड ये हमने कुछ देखे बी सी और डी से बनने वाले इडियम और फ्रेज। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ ई और एफ से बनने वाले फ्रेज। तब तक आप बने रहे चैनल पर। आई होप कि आपको ये एक बार के ही पढ़ने से याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं इडियम और फ्रेज की नए वर्ड लेकर हम ई से बनने वाले इडियम फ्रेज अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।